झारखंड से निकले हो आप? अरे ग्रेट, विकास विकास कब निकले झारखंड से? 28 अप्रैल, लाइक उधर लास्ट मैंने कन्याकुमारी रामेश्वरम तक, उस तक केरल कोची गोवा बॉम्बे होते हुए गुजरात और पठानकोट होते हुए जम्मू कश्मीर सब साइकिल से। अरे यार, लेह लद्दाख निकल के मैं मनाली निकला और चंडीगढ़ अम्बाला होते हुए फिर अभी जस्ट हरिद्वार और ऋषिकेश और केदारनाथ और जो उधर बद्रीनाथ वगैरह। तो अभी और कितने दिन का है? अप्रोक्स लाइक उधर के 6 स्टेट असम से मिलो जो शिलोंग वगैरह है और यहाँ के यूपी एक बार फिर से जाऊँगा बनारस होते हुए और छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार 9 स्टेट अभी बचा हुआ है। ये एक नीति है क्योंकि अगर ये अप्लाई हो जाता झारखंड में तो प्रायोरिटी झारखंड के यंगस्टर को मिलेगी। अगर कोई जॉब भी आती, फॉर एग्जाम्पल एक रेलवे का वैकेंसी आता है तो उसमें किसका एक हक होना चाहिए? झारखंडी का ऑब्वियसली। अब वहाँ पे ऐसा देखोगे तो इतने डोमिनेंट है कि 75% लोग हैं जो झारखंड के नहीं है, बाहर के हैं। तो हम अपने राइट मांग रहे हैं, किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। इसका मेन पर्पस क्या है ये साइकिल से? मेरा मेन पर्पस यही है जी कि मेरा ये मैसेज जो पूरे झारखंड को जाए। दोस्तों, ये विकास कुमार हैं और ये झारखंड से हैं, ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं साइकिल से। ये मुझे मिले थे मोतीचूर वाले फ्लाईओवर पे, तो मैंने इनसे 5-7 मिनट बात करी वहाँ खड़े होकर और पूछा इनसे कि आपका मेन एम क्या है साइकिलिंग का। तो इन्होंने बताया कि ये एक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं झारखंड में, जो एक मूवमेंट चल रहा है उसमें एक नीति बनाने के लिए झारखंड के लोग डिमांड कर रहे हैं, जिससे कि झारखंड में जितनी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उस पर सबसे पहला हक मेन झारखंडी लोगों को मिले। और फिर इसकी डिटेल तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं थी, तो बस मैंने इनसे थोड़ी सी बात करके इनको ऑल द बेस्ट करके मैं वहाँ से निकल के अपने ऋषिकेश ऑफिस की तरफ एंटर कर रहे हैं ऋषिकेश बैराज की तरफ। दोस्तों, पूरा दिन ऋषिकेश में अपना ऑफिस में काम करने के बाद वापस मैं निकला हरिद्वार के लिए शाम को, और इस बार मैं जा रहा हूँ चिला रोड से। आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारे। मैं भी बिल्कुल बिल्कुल के बीचों बीच खड़े हो गए, आपको दिखाता हूँ ये गंगा का जो जल है कितना बड़ा हुआ है इस समय, किस लेवल पे चल रहा है। ओहो हो भाई साहब, वहाँ तक देखो कितना ही जल है गंगा का। ये है ऋषिकेश बैराज, वहाँ पीछे टिहरी डैम से होते सीधा यहाँ पे पहली बार कंट्रोल होता है और उसके बाद यहाँ से होते हुए हरिद्वार और हरिद्वार से उसके बाद गंगा सागर तक। अब चलते हैं यहाँ से हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार की तरफ जाने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, जो आगे एक रिवर पड़ती है, क्या बोलते हैं, बीन नदी पड़ती है। बीन नदी में पानी आया था तो इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं कि आज वहाँ पे रास्ता खुला हुआ है बाइकों के लिए या फिर दिक्कत होगी मुझे जाने में। कुछ गेट खोले हुए हैं, कुछ गेट बंद भी हैं क्योंकि फौजी है। यहाँ से शुरू हो गया चिला वाला रास्ता और यहाँ से कुछ 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पे होगी वो बीन नदी, और बीन नदी में पानी तो आ गया है इस समय। आज हालांकि बारिश तो नहीं हो रही, पर हो सकता है कि वहाँ पानी अच्छा खासा चल रहा हो। अगर वहाँ पानी ठीक ठाक चल रहा होता ना भाई, बाइक के पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी बाइक वगैरह आ रही है तो शायद पानी ज़्यादा होगा नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर और है बस, ज़्यादा नहीं। तो जी, मैं रुका हुआ हूँ चिला में, उधर हरिद्वार है उधर ऋषिकेश, और आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, किसी के तो काम आ ही जाएगी ये बात, और वो ये है कि भाई बारिशों में ना ये जो पूरी की पूरी आप देख रहे हो दीवार, यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा हिस्सा नीचे पूरा स्लिपरी हो रखा है, इस समय काई जम रखी है बेसिकली। तो मैंने कई बार देखा है लोग आते हैं बाहर से, गाड़ियों से उतरते हैं और फिर नीचे उतर के फोटो सेल्फी बैठी भी रहते हैं, अगर पैर फिसला तो नहीं रुक पाओगे, सीधा अंदर जाओगे। कम से कम बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, और वहाँ सामने जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि कितनी गहरी है ये नहर और मत उतरो यहाँ से, फार मत जाओ, क्योंकि अभी तो थोड़ा चलो धूप निकल गई ना, आज थोड़ा सूखा भी दिख रहा है ये, तब भी यार सेफ नहीं है, क्योंकि आप बाय मिस्टेक भी अगर आपका पैर फिसला ना नीचे अंदर गए अगर आप, तो बाहर आने के लिए भी सारा काई काई जमी हुई है, बाहर भी नहीं आ पाओगे। बात बहुत छोटी सी है बट बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग फिसल जाते हैं। चलो।
सूखा सा पड़ा है ऐसा लग रहा है। ये चल रहा है, अरे भाई काफ़ी चल रहा है रे। ओ ओ ओ ओ भाई पानी तो ठीक ठीक चल रहा है यहाँ बीन नदी में, और अच्छा ही चल रहा है। अब हम जरा वहाँ पे खड़े होकर आपको एक व्यू देंगे। लो जी थोड़ा थोड़ा पानी है टायर में, देख लो आप कितना है, थोड़ा सा ही है वैसे, वही पार हो जाएगी, वही पार हो जाएगी। वो ज़बरदस्ती मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया है, जाना इधर से चाहिए था, और वहाँ से भी पार हो गई। तो बस अब हम तैयारी करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उतना ही है जितना था शायद। हरिद्वार में बारिश ना भी हो ना, और आपको दिखे कि इतना गंगा जल हरिद्वार में है, इसका मतलब यह है कि पहाड़ों में बारिश हो रही है। ये जो गंगा का जल जो यहाँ चल रहा है ना, ये सिर्फ तब चलता है जब बहुत बारिश होती है ना, और ऊपर से बहुत ही ज्यादा गंगा का जल आ रहा होता है तभी चलता है, अदरवाइज बंद ही रहता है। मतलब मैं आपको ये वाली जो नहर है ये आपको मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ कि जब बारिशें नहीं हो रही होती बिल्कुल सूखी होती है, और वहाँ बीच में एक प्लेटफॉर्म टाइप का है, वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप पूरा एक सीमेंटेड एरिया भी है वहाँ बीच में, जो भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, पर पूरी खाली होती है, बिल्कुल सूखी होती है नहर। अभी देखो इसमें कितना सही, कितना ज़्यादा ही गंगा जल चल रहा है, क्योंकि क्योंकि पहाड़ों में बहुत बारिशें हो रही हैं और ऊपर से गंगा जल बहुत फ्लो के साथ नीचे आ रहा है। चलने के बाद जब ऋषिकेश का बैराज क्रॉस करता है और भीमगढ़ा बैराज से गंगा जल आगे की तरफ जाता है, तो किस तरीके से जा रहा है आगे, बढ़ रहा है आगे गंगा सागर की तरफ।